नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम है अनुराग गुप्ता। सरकार को घेरने के चक्कर में नेता अक्सर ऐसे बयान दे जाते हैं कि खुद उन्हीं की पार्टी घेरे में आ जाती है। ठीक ऐसा वाक्या हुआ मध्य प्रदेश में। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी और बजरंग दल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से धन ले रही है। साथ ही सिंह ने यह भी कहा कि ISI के लिए मुसलमानों से कहीं ज्यादा गैर मुसलमान जासूसी कर रहे हैं। जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, ISI से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक बात और बताऊं, पाकिस्तान से ISI के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। दरअसल दिग्विजय सिंह ने भिंड में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि बजरंग दल और भाजपा ISI यानी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से पैसा ले रहे हैं, इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बात और बताऊं, पाकिस्तान से ISI के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया ही था कि विपक्षी खेमे के नेताओं ने उनकी जमकर खिंचाई की, जिसके तुरंत बाद सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि कुछ चैनल चला रहे हैं कि मैंने भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि वे ISI से पैसा लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने आगे कहा कि बजरंग दल व भाजपा के IT सेल के पदाधिकारी द्वारा ISI से पैसे लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा है। मैंने यह आरोप लगाया है जिस पर मैं आज भी कायम हूं। चैनल वाले यह सवाल भाजपा से क्यों नहीं पूछते? अब भाई, सवाल भाजपा से पूछने के लिए दिग्विजय सिंह ने कहा था, तो ऐसे में प्रदेश के कद्दावर नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कैसे चुप रह सकते थे? शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खबरों में बने रहने के लिए दिग्विजय सिंह ऐसे बयान देते रहते हैं। उनका बयान इसलिए मायने नहीं रखता कि वो विवादित बयान इसलिए देते हैं कि सुर्खियों में बने रहें, देश उनको गंभीरता से नहीं लेता। पाकिस्तान की भाषा वो बोल रहे हैं, उनके नेता बोल रहे हैं। पाकिस्तान इनके नेता के बारे में कोट करके कह रहा है कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है, ये तो पाकिस्तान को फायदा पहुंचे ऐसी हरकतें करते रहते हैं। और संघ और बीजेपी का जहां तक सवाल है, उनकी देशभक्ति सारा देश और सारी दुनिया जानती, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इस बीच शिवराज ने पुराने बयानों को भी सभी के समक्ष रख दिया और कहा कि दिग्विजय सिंह ओसामा जी और हाफिज जी कहने वाले नेता हैं। वह विवादित बयान इसलिए देते हैं ताकि सुर्खियों में बने रहें। वे और उनके नेता जो पाकिस्तान चाहता है वे बोलते हैं। ऐसा नेता को ना मैं गंभीरता से लेता हूं, ना ही देश लेता है। शिवराज सिंह इस बात की बात में कितनी गंभीरता है, यह तो कांग्रेस के बयान से स्पष्ट हो ही जाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता PL पुनिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान से मैं सहमत नहीं हूं। PL पुनिया का कहना कि दिग्विजय सिंह ने जिस आधार पर इतना बड़ा बयान दिया है, इसके सूत्र और साक्ष्य वही बताएंगे। जब कांग्रेसियों के पास ही सबूत नहीं है तो फिर पार्टी को हमेशा मुश्किलों में क्यों डाल देते हैं दिग्विजय सिंह? इसी सवाल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, ट्विटर इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते और शेयर करते रहिए।